हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका खास बात चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं चित्रकूट जिले की, जो कि मंदाकिनी नदी के किनारे पर बसा भारत का सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है। इस जिले का बॉर्डर उत्तर में कौसाम्बी, दक्षिण में मध्य प्रदेश का सतना एवं रीवा जिला, पूर्व में इलाहाबाद जिला तथा पश्चिम में बांदा जिला है। अगर आप इसी तरह अन्य जिलों की वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अन्य जिलों की वीडियो को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को चेक करें और चित्रकूट को पूरी तरह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चित्रकूट उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से एक है और इसका मुख्यालय चित्रकूट धाम में स्थित है। यहाँ का क्षेत्रफल 3,164 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 9,91,000 के आसपास है। यहाँ का लिंगानुपात 879 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है और साक्षरता दर 66.52% है। इस जिले में 4 सब डिवीजन, 5 ब्लॉक, 10 पुलिस स्टेशन तथा 635 गाँव हैं। चित्रकूट का इतिहास काफी रोचक है। भारतीय साहित्य और पवित्र ग्रंथों में प्रख्यात वनवास काल में 11.5 वर्षों तक भगवान राम, माता सीता तथा श्री राम के अनुज लक्ष्मण की निवास स्थली रहा चित्रकूट, मानव हृदय को शुद्ध करने और प्रकृति के आकर्षण से पर्यटकों को आकर्षित करने में सक्षम है। चित्रकूट शब्द इस क्षेत्र के विभिन्न स्थानों और स्थलों की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक विरासत का प्रतीक है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था हद तक बेहतर है और गोस्वामी तुलसीदास गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ का प्रमुख कॉलेज है। यहाँ की परिवहन की बात करें तो चित्रकूट के लिए झांसी, बांदा, कानपुर, छतरपुर, लखनऊ आदि शहरों से नियमित बस सेवाएं हैं। यहाँ 8 किलोमीटर की दूर पर स्थित करवी निकटतम रेलवे स्टेशन है। इलाहाबाद में बमरोली हवाई अड्डा निकटतम हवाई अड्डा है, जो कि यहाँ से 106.1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल कामदगिरी, रामघाट, भरतकूप, भरत मिलाप मंदिर, गणेश बाग, हनुमान धारा, गुप्त गोदावरी, सती अनुसुईया आश्रम, राम दर्शन तथा स्फटिक शिला है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में किस जिले में बनाऊं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।